हाउ आर यू, कैसे हो? उप्स, ये गुस्से वाला है। हाउ आर यू, कैसे हो? उप्स, ये गुस्से वाला है। कैसा चाह रही हो? प्यारा। प्यारा सा हो? रेंज में नहीं आ रहा हमारी। ओह माय गॉड, आपकी रेंज क्या है? हमारी लिए रेंज 2 लाख रुपए। और बहुत खूबसूरत है, पिंक पिंक इसका रंग है, चाल इसकी नवाबी है, आंखें इसकी शराबी हैं, और कंघा इसने किया हुआ है भाई फ्रंट से, बीच की मांग इसने निकाली हुई है। बस इसका सौदा होने वाला है। बहुत प्यार से इसको पाला है, लाडो से इसको पाला है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह है ये। और अब ये देखें, फोकस इस फहीम से पिद्दी लगा दी है इस जानवर ने, जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कह रहे नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा नहीं जाऊंगा। 1 करोड़ का भी नहीं देंगे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 करोड़ का भी नहीं देंगे? नहीं नहीं भाई, बहुत एंग्री थी। नहीं नहीं नहीं, उठाए नहीं उठाए नहीं, सोने दे। क्या सींग है जबरदस्त। इसका क्या नाम है? अरे महंगी है, मलीर की सस्ती है। शहर के अंदर है ये मंडी, सुराब गोदवारी मंडी में जाते हैं ना खरीदने। हाँ। तो खाली आते हैं, जानवर नहीं लेके आते हैं। बार्गेनिंग इसकी चल रही है, मटक मटक के चल रहा है। उफ गर्मी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाजाबाद 4 नंबर और सदफ हाइट्स सामने है। ये है मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाजाबाद कराची, और इसके बिल्कुल सामने है नाजाबाद की मंडी। और फोकस विद फहीम से मैं सुमैया, और आज हम अंदर जा रहे हैं नाजाबाद की मंडी में, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि सौदा हो गया या नहीं हुआ। और यहाँ पर है मौजूद इस वक्त इंतज़ामिया के मुताबिक 4 से 5 हज़ार जानवर, बकरे भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं। सुनने में आ रहा है कि ये मंडी थोड़ी सी महंगी है क्योंकि नाजाबाद में मौजूद है, तो हम यहाँ पर आज एक्सप्लोर करेंगे सस्ता जानवर भी और महंगा जानवर भी, और आपको दिखाएंगे होते हुए सौदे। इस वक्त लीमू पानी वाले पे रश है क्योंकि बहुत गर्मी है, और यहाँ पर हर तरफ जहाँ बजा आप देख सकते हैं जानवर ही जानवर हैं, और वाओ कितने खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। और ये साहब बाजार बाजार से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सौदा हुआ कि नहीं? मैडम जी सौदा तो नहीं हुआ, रेट बहुत चढ़े हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो कितने का चाह रहे हैं आप? मैं 2 लाख का चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ रेट तो 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए मांगते हैं। अच्छा, आपने अभी तक कराची कितनी मंडियाँ जो है विजिट की? सारी मंडियाँ विजिट करी। कौन कौन सी? सर आपका हाईवे वाली, लियारी वाली, मलीर वाली, और कौन अब ये सी मंडी बेहतर लगी? हाईवे वाली लग रही है सही। अब वहाँ फिर भी रेंज ज्यादा है? भी रेंज सही है वहाँ कल के बाद। आपका नाम क्या है सर? फैसल। फैसल साहब, आप कराची के कौन से इलाके से आए? इसी इलाके नाजाबाद। अच्छा मैं आपको बताऊँ की हम हाईवे जाएंगे तो लेने, क्योंकि वहाँ पे रेंज जानवर की बहुत ज्यादा है, तो आपको कम और सब मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी हिसाब किताब लगाएं कि जब आप नौदरन से यहाँ तक जानवर लेकर आएंगे तो आपकी गाड़ी का कितना खर्चा ले रही है इस वक्त गाड़ी? 4,000-5,000। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि 4,000-5,000 अगर हम दे भी देते हैं तो जानवर अच्छा आ जाएगा वहाँ? जानवर अच्छा आ जाएगा सही। अच्छा मैंने चॉइस ज्यादा है। अच्छा मैंने एक और चीज देखी, ये यहाँ पर 1.5 मन की गाय, बामुश्किल 1.5 मन की गाय, कह रहे हैं 2 लाख, ये वाकई बहुत ज्यादा है। मैं मौसमियात की मंडी में गई थी तो वहाँ पर 2 मन तक की गायें जो है वो 1 लाख में मिल जाएगी, तो वो फिर भी सस्ती है मौसमियात वाली। लेकिन मौसमियात वाली इससे भी छोटी मंडी है, जितनी छोटी मंडी होगी वहाँ आपको ढूंढने के मौके कम मिलेंगे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मलीर की मंडी के बारे में क्या ख्याल है? मलीर की मंडी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस टाइप का माल जानवर हम चाह रहे हैं ना उस टाइप का वहाँ। अच्छा आप चाह रहे हैं कम खर्च वाला नशी? हाँ जी, अच्छा सारे कराची वाले यही चाह रहे हैं। और आप कैसी हो बेटा? कैसा चाह रही हो? प्यारा। प्यारा सा हो, हरा भरा सा हो जी, छोटा सा हो जी। अच्छा कराची वाले ये छोटा सा जानवर क्यों ढूंढते हैं? बच्चे घुमा लेते हैं आराम से। अच्छा कराची में ऐसा है ना कि कराची में कुर्बानी करने का रुझान बहुत ज्यादा है, मुतवस्सित तबका भी चाहता है कि हम कुर्बानी का फरीजा अदा कर दें, तो वो इसलिए चाहता है कि कम खर्च में जरा अच्छी चीज मिल जाए। यही सबकी यही सोच होती है
कि अच्छा जानवर भी मिले और कम रेट पे भी मिले, लेकिन इस दफा इस साल बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा। पिछले साल जो 1.5 लाख का जानवर हमने लिया था ना, इस साल वो 2 लाख रुपए का जानवर है, इससे ऊपर ही का। अब फोकस इब्राहिम के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। जानवर जानवर नहा रहे हैं, गर्मी बहुत है, इनको साफ किया जा रहा है। ये देखें किस कदर खूबसूरत यहाँ पर एक जानवर मौजूद है। और यहाँ चले आके रेट्स भी लेते हैं, हैवी है भाई ये तो, डार्क है। ओह माय गॉड, हाउ आर यू, कैसे हो? ओप्स, ये गुस्से वाला है। अच्छा कुछ जानवरों के बारे में मुझे बताएं कि इनकी क्या प्राइस है, क्या है? हमारे वालों को तो ये प्राइस है इसके 1.90। ये एंग्री है जी, गुस्से वाला है। 1.90 इसके हैं। अच्छा 2.10 लाख इसके हैं। हाँ तो ये ज्यादा नहीं ले रहे आप 1.90 में? इसके क्या मन, कितना मन है? ये 3.5 मन गई है। 3.5 1.90 मुनासिब है फिर भी। अच्छा आपके पास सबसे हैवी जानवर है, सब कौन से है? उफ, ये बहुत एंग्री है भाई। नहीं नहीं भाई, बहुत एंग्री थी। नहीं नहीं उठाई नहीं, उठाई नहीं, सोने दे। कुछ भी नहीं कहता। क्या नाम है इसका? इसका नाम है राजा। राजा जी, वाओ, ये जिशान भाई का है राजा। इसके क्या, कितना मन है ये? ये है 6.5 मन का। 6.5 मन का है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और राजा के प्राइस क्या है? इसके 5 लाख रुपए। 5 लाख 6.5 मन। और ये अपने घर के लिए लाए हैं, अभी 1 करोड़ का भी नहीं देंगे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 करोड़ का भी नहीं देंगे, नहीं। सही, वहाँ पे देखें फाइटिंग हो रही है जबरदस्त, मिल मिल के लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। और वो बहुत गुस्से वाली थी। वाओ, इसके सींग देख के तो भाई क्या सींग है, जबरदस्त। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? शेरू। इसके सींग बहुत प्यारे हैं। और ये कितना बड़ा बकरा है ये वाला? कुछ बकरों के बारे में बताएं। ये वाला जमुना। और वो शीप क्यों उदास है? वो शीप क्यों उदास है? कौन सी वाली? वो वाली उदास नहीं है, वो एक है ना, एक जानवर तो कहीं पे भी हो, एक इंसान को भी कहीं बनकर तो उदास होता है। ये यहाँ पर प्यारी सी शीप है। और ये शीप बिकने की है? ये बिकने की है ये भी? इसकी क्या प्राइस है? 80,000। और इसमें से कितना गोश्त निकलेगा? 30-40 किलो। ओके, तो इन बकरों की क्या प्राइस है जरा मुझे बताएं? 80, 60, 95 ये बकरों के प्राइसेस चल रहे हैं। सर ये नाजाबाद की मंडी महंगी नहीं है? अरे महंगी है, मलीर की सस्ती है। शहर के अंदर है ये मंडी, और आप गोदवारी मंडी में जाते हैं ना खरीदने? हाँ। तो खाली आते हैं, जानवर नहीं लेके आते हैं। जानवर है खरीदने आए हैं। सर आपने अभी तक कितनी मंडियां विजिट कर ली कराची की? हमने 3 मंडियां। कौन कौन सी? मलीर और ये नाजमाबाद और नॉर्दर्न। अच्छा तो आप सर आप इसी एरिया से, नाजमाबाद से? नहीं नाजमाबाद, हम जमशेद रोड से। जमशेद रोड से, और आप विजिट करें? अभी तक खरीदा नहीं, रेंज में नहीं आ रहा हमारी। ओ माई गॉड, आपकी रेंज क्या है? हमारे लिए रेंज 2 लाख रुपए। 2 लाख तो अच्छी रेंज रखी हुई है, वरना लोगों ने तो 1 लाख रहे हैं, वो 3 लाख मांग रहे हैं, 4 लाख मांग रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर कराची में इस वक्त लोगों ने गाय की रेंज रखी हुई है 1 से 1.5 लाख एवरेज। 1 लाख तो कोई भी नहीं है। अच्छा। 1 लाख वाला जानवर ही नहीं यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ। नाजाबाद की मंडी में 1 लाख में गाय नहीं है, लेकिन मलीर की मंडी में है। मलीर में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो रेट और फिर वो जानवर वैसा नहीं है ना 1 लाख वाला। सही। तो सर ये आप मुझे बताएं कि आपने 3 मंडियां विजिट की, क्या डिफरेंस देखा मंडियों में आपने? नॉर्दर्न देखें, बड़ी मंडी है। सही। वहाँ हजारों की तादाद में जानवर हैं, यहाँ चंद सौ के जानवर हैं। सही। लाजमी से यहाँ जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, उनकी रेंज वो अपने हिसाब से मांग रहे हैं पैसे। सही। लेकिन नॉर्दर्न वाले वो लाजमी, उनके पास जानवर ज्यादा हैं तो वो अपने हिसाब से, वहाँ पे गुंजाइश ज्यादा है बार्गेनिंग की। लेकिन सर नॉर्दर्न से जब आप गाड़ी करके अपने जमशेद और इस तरफ आएंगे तो उस गाड़ी का कितना खर्चा हो जाएगा? 3,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। और नाजाबाद से? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए का डिफरेंस। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर नॉर्दर्न से आपको दो में, दूर की वजह से जा रहे हैं, बच्चे साथ थे, ज्यादा दूर नहीं गए वहाँ। सही। तो आप क्या समझते हैं मलीर की मंडी नाजाबाद से बेहतर नहीं है? मलीर की मंडी बेहतर है, मलीर की मंडी।
चलें हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। बहुत अड़ियल, इसको दुम से भी पकड़ा हुआ है और इसका सौदा पक्का हो गया है। ये 3 लाख में बिक गया है और ये 4 मंथ तक है। ये बेहतरीन खरीद लिया। किसने खरीदा ये? आप वहाँ इंतजामिया से पूछें। अब ये देखें, फोकस इस फहीम से पिद्दी लगा दी है इस जानवर ने। जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कह रहे नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा बैठ जाऊंगा नहीं जाऊंगा। बैठ गया, ये जिद्दी है, मूडी है। और ये साहब ने बताया है कि ये इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं मैंने ये 8 मन का बताया गया और ये मैंने 3 लाख में लिया है। बेहतरीन सौदा, जबरदस्त। सर क्या कहेंगे, ये तो जिद्दी हो गया है। हाँ नहीं, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। आप यहीं रहते हैं नाज़ाबाद में? पैदल पैदल लेके जाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, चले हम आगे चलते हैं। खवातीन भी देखने आ रही हैं और सौदा हो गया है, मगर वो जिद्दी बैठ गया ज़मीन पे, कह रहा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। यहाँ पर इस वक्त आपको हमने हेवी जानवर भी दिखाया और अब कुछ हल्का जानवर भी दिखाते हैं। कराची वालों की इस साल जो सताहत है वो है 1.5 से 2 लाख। नाम है सर? सिब्बी का है। क्या प्राइस है इसके? 6 लाख। 6 लाख मन कितना है? मन हो जाएगा जिंदा जो है 14 मन। 14 मन, 6 लाख में 14 मन, सही दे? जिंदा जो है सही है, वो इसका 8 मन हो गया। सही, तो इसके प्राइस आपने लगाए 16 लाख। 14 6 लाख, तो 6 लाख में क्या इसका सौदा अब तक पक्का नहीं हुआ? आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में? और ये कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं लेकिन रेन से चुके बाहर जा रहे हैं। सिब्बी का है ये और खूबसूरत है, बार्गेनिंग इसकी चल रही है, मटक मटक के चल रहा है। फोकस विद फहीम से इसी तरह आपको हम व्लॉग्स दिखाते रहेंगे जब तक बकरा ईद चली नहीं जाती। मंडियां मंडियां मंडियां, बस यही मौजू है फोकस विद फहीम का आजकल। इस वक्त मैं अगर कंपैरिजन करूं तो नाज़ाबाद की मंडी मलीर की मंडी की नस्बत थोड़ी सी महंगी है, मगर ढूंढने वालों ने यहाँ पे भी 1.5 लाख की गायें ढूंढ ली। और फोकस विद फहीम से आज हम फोकस करके दिखा रहे हैं आपको सुल्तान। इस सुल्तान की कीमत है 16 लाख, मगर ये 13 लाख तक दे देंगे, 13.5 लाख तक दे देंगे इनका कहना है। और बहुत खूबसूरत है, पिंक पिंक इसका रंग है, चाल इसकी नवाबी है, आंखें इसकी शराबी हैं और कंघा इसने किया हुआ है भाई फ्रंट से, बीच की मांग इसने निकाली हुई है। बस इसका सौदा होने वाला है। बहुत प्यार से इसको पाला है, लाडों से इसको पाला है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह है ये। और इसकी नस्ल कौन सी है सफ़ेद? ये पिंक पांडा है। पिंक पांडा इसकी नस्ल है और वैसे इसका नाम है सुल्तान। और बहुत खूबसूरत है, सौदे का मुंतजर है। और आपको एक और ब्लैक टाइगर दिखाते हैं जिसका सौदा हो गया है पक्का और रात को 10 बजे अपने मालिक के पास चला जाएगा। और ये है, कितने मन का है ये? ये 25 मन लाइव वेट है इसका। कितना? 25 मन लाइव वेट है इसका। अच्छा जी, और कितने में बिका ये? ये हमने दिया 16 लाख रुपए। 16 लाख का 25 मन, अच्छा है 16 लाख में 25 मन, अच्छा बछड़ी है और 4 दांत, बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन। और फोकस विद फहीम के साथ मैं हूँ सुमैया और देखते रहें फोकस विद फहीम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह है नाज़ाबाद की मंडी, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।